फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैं लेके आई हूँ लेडीज़ अंगूठे वाले मोजे। देख सकते हैं आप, बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत से ये मोजे हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये थंब मोजे हैं और अगर आपको थंब नहीं चाहिए तो जैसे मैं इंस्ट्रक्शन देती हूँ वैसे फॉलो करिए, बिना थंब के मोजों को भी बना सकते हैं। तो चलिए इन खूबसूरत से मोजों को बनाना सीख लेते हैं। बनाने के लिए ये मैंने 23 स्टिचेस सिलाई में डाले हुए हैं और 23 स्टिचेस बनाने के बाद मैंने 46 रोज गांठ स्टिच की बुनी हुई है। देखिए राइट और रॉन्ग दोनों साइड से मैंने 46 सिलाइयाँ बुनी हैं उल्टा उल्टा। आप देख सकते हैं, मैं आपको गिन के बताती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और ये 23। तो 23 इस तरफ है और 23 इस तरफ है, टोटल 46 सिलाइयाँ मैंने बुनी हैं। अब 47वीं सिलाई पे ये मैंने ऊन जोड़ लिया है और यहाँ से हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे क्रीम कलर से। टू रोज हमें बनानी है गांठ स्टिच से। ये दो सिलाइयाँ गांठ स्टिच की बुनने के बाद हम फिर ये कॉफ़ी कलर का ऊन लगाएंगे और इस बार हम यहाँ पे सिर्फ 14 फंदे ही बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। 14 फंदे बुनने के बाद फिर हम यहीं से ऊन आगे करेंगे और ऐसे टर्न हो जाएंगे, पहला फंदा उतार लेंगे और सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए फिर से हम दो सिलाइयाँ क्रीम कलर की बुनेंगे, सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे, इसे हम ऐसे करेंगे और फिर सारे फंदों को बुन लेंगे। ये रॉन्ग साइड के सारे फंदों को क्रीम कलर से बुन लिया है, फिर राइट साइड से भी हम सारे फंदों को क्रीम कलर से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। क्रीम कलर की लाइन कंप्लीट होने के बाद फिर हम कॉफ़ी कलर के ऊन को लगाएंगे और फिर 14 फंदे ही बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। देखिए 14 फंदों के बाद हम फिर यहीं से टर्न हो जाएंगे इस तरह से, फिर पहला फंदा उतारेंगे और फिर सारे फंदों को बुन लेंगे। अब देखिए ये हमारी दो धारियाँ पड़ गई हैं बीच में कॉफ़ी कलर की, ऐसी हमें 9 धारियाँ बनानी हैं। 9 धारी बनाने के बाद फिर हम फंदों को घटाएंगे, तो पहले 9 धारियाँ बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। 9 धारियाँ हमने कॉफ़ी कलर की बना ली हैं। अब हम क्रीम कलर के धागे पर हैं तो हम यहाँ फंदे घटाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे मैंने ये कॉफ़ी कलर का धागा तोड़ दिया है क्योंकि हम यहाँ से पार्टीशन करेंगे थंब और फिंगर्स के लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 10 फंदों को घटा देंगे। ये देखिए इस तरह से, देखिए 2 को एक साथ बुनेंगे, ये एक फंदा घट गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये हमने 10 फंदे घटा लिए। देखिए अब हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं।
और राइट साइड से इन सबको फिर से हम उल्टा उल्टा बुनते हैं। और फिर अब यहाँ पे हमने 10 फंदे घटाए थे तो यहाँ पे 10 फंदे बढ़ाएंगे। अगर आपको ये बिना थंब वाला सॉक्स बनाना है तो आप इसे नहीं घटाएंगे, ऐसे ही बनाते जाएंगे। टोटल 18 रो होनी चाहिए ये कॉफ़ी कलर की। तो चलिए यहाँ पे पहले हम 10 फंदे बढ़ा देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये हमने 10 फंदे बढ़ा दिए। यहाँ पे हम फिर कॉफ़ी कलर का ऊन जोड़ लेते हैं। ये ऊन जोड़ने के बाद फिर हम 14 फंदों को कॉफ़ी कलर से बुनेंगे। इससे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। ये 14 फंदे हमने बुन लिए। फिर हम ये इस टर्न हो जाएंगे और फिर इनको उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए, अब जैसे हमने इसे बुना है सेम इसी तरह इसे बुनेंगे। जब ये 9 धारियाँ हो जाएंगी जितनी ये हैं, फिर उसके बाद हम सिर्फ यही बुनेंगे। तो पहले हम इतना इस तरफ पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं। हमने जितना ये पोर्शन बुना था उतना ही इसको बना लिया है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 9 धारियाँ हमारी कॉफ़ी कलर की हो गई हैं। और उसके बाद मैंने ये क्रीम कलर का ऊन लगा लिया है पूरा, जैसे ये हमारी फर्स्ट रो थी। और यहाँ पे देखिए इस ऊन को तोड़ दिया गया है क्योंकि अब हमें क्रीम की ज़रूरत नहीं। अब कॉफ़ी कलर से फिर हम 46 रोज गांठ स्टिच की दोनों तरफ से बुनेंगे, उल्टा उल्टा बुनेंगे टोटल। तो पहले इसको इतना बना लेते हैं, फिर इसकी हम सिलाई करेंगे। टोटल 46 रोज बुन ली हैं। अब देख सकते हैं आप ये बराबर हो गए हैं एकदम। अब हम इन फंदों को बंद कर देंगे। ये जो फंदे हैं इन्हें सारे फंदों को हमें बंद करना है। बंद आप चाहे जैसे कर सकते हैं, मैं इस तरह से करती हूँ। 2 फंदों का एक करेंगे, फिर बने हुए फंदे को वापस से सिलाई में डालेंगे, फिर 2 फंदों को एक करेंगे इस तरह से। देखिए तो इसी तरह बंद कर देते हैं सारे फंदों को। लास्ट में ये एक फंदा बचेगा, इसमें से हम इस ऊन को ऐसे निकाल लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से हमारा जो सॉक्स है वो बनकर तैयार होगा। अब हम इसकी सिलाई करते हैं। सबसे पहले हम ये थंब्स और फिंगर्स को सिलेंगे। इसे सिलने के लिए सबसे पहले हम इसे उल्टा करेंगे और ये देखिए इस तरह से इसे रखेंगे। देखिए हमारा कोना है, कोने को ऐसे डायगोनल बनाएंगे और यहाँ से यहाँ पे हमने ऊन छोड़ रखा है, यहाँ पे हम इसे ऐड करेंगे। आपको याद होगा तो जब फंदों को मैंने बंद किया था सेंटर में क्रीम कलर वाले, तो यहाँ पे ऊन छोड़ा था, हम आप इसे ऐड कर लेंगे। ये देखिए अब इसे पहले हम सिल लेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हमने यहाँ तक सिल लिया। अब हम ये जो पोर्शन है इसे भी ये देखिए कॉर्नर पकड़ के ऐसे मोड़ेंगे, देखिए आपने। और अब हम यहाँ पे इसे ले लेंगे इस तरह से और इसकी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारे थंब और फिंगर सिल गए हैं। अब हम ये पोर्शन सिलेंगे। ये यहाँ से जहाँ हमारा ये फिंगर और इसका पोर्शन है, यहाँ से हम सिर्फ ये दो हिस्सों को,
ये नीचे वाला हिस्सा नहीं लेंगे, सिर्फ ऊपर वाले को इस तरह से लेंगे। इस तरह से अब इसे इस तरह से लेके इसकी सिलाई कर लेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे और ये यहाँ से यहाँ तक का सिलेंगे। ये देखिए इस तरह से सिलेंगे और ये हिस्सा हमारा खुला है, देख सकते हैं शेप आ गया है। तो ये पूरा हिस्सा देखिए यहाँ से इसे सिलते जाएंगे और यहाँ तक सिलते हुए आएंगे। ये देखिए इसकी सिलाई कर ली, अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा मोजा बनके तैयार है। अब हम इसमें क्रोशिया लगाएंगे। हम यहाँ पे देखिए जहाँ पे भी आपको ऐड करना हो ये क्रीम कलर का धागा यहाँ पे ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद यहाँ से ही हम पहले एक चैन लेंगे। ये देखिए एक और एक और चैन लेंगे। अब ये देखिए ये एक रो है इसमें बनाया, इसके अगले वाले रो में फिर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। कोई चैन स्पेस नहीं लेना है। फिर से नेक्स्ट वाले में देखिए इसी तरह से हम ये सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये देखिए पीछे भी हमें इसी तरह से बनाते जाना है। देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, इस तरह से बनाते हुए आ रहे हैं, और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ हमने शुरू किया है वहाँ तक हमें आना है। ये हम लास्ट में आ गए हैं। और इसे अब हम पहले वाले में इस तरह से ऐड कर देंगे। अब आपको क्या करना है देखिए, इस क्रोशिये को ऐसे इंसर्ट करेंगे इस तरह से, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से ये जितना क्रीम का पोर्शन है इसमें हम क्रोशिये को इस तरह से इंसर्ट करेंगे। ये देखिए अब हम ये ब्राउन वाले के अंदर ले लेंगे, और ये जो हमारा ऊन है इसे हम बाहर खींचेंगे इस तरह से। देखिए ये जो ऊन है ये देखिए हमने ले लिया, इसे जितना क्रीम पोर्शन उतना हमारा क्रोशिये के अंदर आ गया। अब हम इसे इस तरह से अंदर अपनी तरफ खींच लेंगे। और इसे हम यहाँ पर टाइट कर देंगे। देखिए इसे हमने पैक कर दिया, और फिर से हम इसे यहाँ पर ये हिस्सा इस तरह से देखिए ये हमारा बंद हो गया। ये देखिए पैक हो गया। अब हम यहाँ पर ये फ्लावर इस तरह से लगा देंगे। ये फ्लावर बताना मैंने आपको बनाना आपको पिछली वीडियो में बताया है। अब इसे हम यहाँ पे टांग देते हैं। ये देखिए हमारे लेडीज सॉक्स बनके तैयार हैं। तो देखा आपने कितनी खूबसूरत और कितने आसानी से ये सॉक्स बन गए हैं। तो इन सॉक्स को बनाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।